अस्तिन का सांप मलेशिया ने इस बार फिर से चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक खतरनाक रणनीति बनाया था, लेकिन भारत सरकार ने जो फैसला लिया है, मलेशिया का होश तो उड़ ही जाएगा। चीन भी परेशान है और पूरी दुनिया परेशान है कि आखिर भारत सरकार पर इतना दबाव देने के बावजूद भारत सरकार ने वही फैसला लिया है जो देश के हित में है। और मैं आज आपको बताऊंगा एक चिंदी सा देश मलेशिया के बारे में, चीन के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मलेशिया के बारे में बताऊंगा कि जिस मलेशिया के पास ना तो अच्छा खासा एरिया है, ना ही उसका अच्छा खासा पॉपुलेशन है, ना ही उसके पास आर्थिक रूप से मजबूत देश है, वो मलेशिया आज इतना उड़ क्यों रहा है? एक तरह से आप देखा जाए तो मलेशिया टाल मटोल कर रहा है, भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बयानबाजी करता है और कभी पाकिस्तान कभी चीन के पास दौड़ता है। लेकिन यहाँ साफ बात यह है कि मलेशिया ने इस बार भी भारत के खिलाफ बहुत ही खतरनाक साजिश रचा था, लेकिन भारत सरकार ने उस साजिश को नाकाम किया है और पूरे दुनिया को भारत के जो नीति है उस पर गर्व हो रहा है कि भारत ने आखिर ये बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। दरअसल बात यह है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर थाईलैंड गया था। वहाँ पे भारत सरकार को कई तरह से दबाव बना रहा था दुनिया के 15 देश और भारत को बोल रहा था RCEP में ज्वाइन कर, और इसमें सबसे ज़्यादा जो देश कूद रहा था उसका नाम मलेशिया है। मलेशिया बहुत ज्ञान झाड़ रहा था और लंबा लंबा डिंगे हाँक रहा था। दुनिया का 15 देश शांत था, लेकिन मलेशिया जिस तरह से डिंगबाजी किया है, जिस तरह से भारत के लिए विष की जैसे बात किया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर मलेशिया के अंदर इतना लंबा लंबा फेंकने का पावर कहां से आता है, उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा RCEP के कारण से भारत को कितना नुकसान होता। दोस्तों एक तरह से समझ जाइए कि अगर भारत सरकार RCEP में अगर सिग्नेचर करता, साइन कर देता, तो समझ जाइए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत ही सोच समझ के फैसला लिया है और देश को अपने सरकार पे गर्व हो रहा है। दोस्तों आज से 2-3 रोज पहले पूरे देश में जगह जगह खिलाफत चल रहा था कि मोदी सरकार RCEP पे साइन ना करे, क्योंकि देश का जो छोटा मोटा उद्योग है वो बर्बाद हो जाएगा, देश में विदेशी कंपनियों का जो माल है वो भरमार हो जाएगा, देश में रोजगार खत्म हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, देश में एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाएगा, और पूरे भारत में बड़े बड़े नेता भी उसके खिलाफ बोल रहा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, चीते की चाल, चील की नज़र और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, वैसे ही मोदी सरकार ने साबित किया है भारत की रणनीति और भारत की राजनीतिक शक्ति के तुलना में आज पूरे दुनिया में कोई भी देश इस चीज़ का तोड़ नहीं निकाल सकता है। और इसी चीज़ पर मैं चर्चा करूँगा, आप लोग का गर्व होगा कि आखिर भारत सरकार ने इस तरह का फैसला लेके चीन के सपना को धूल में मिला दिया है। चीन चाह रहा था कि भारत से फ्री ट्रेड हो जाए और भारत के साथ हमारा फ्री ट्रेड हो, ताकि चीन का जो बड़े बड़े कंपनी फिलहाल बर्बाद हो रहा है, अमेरिका ने सारे कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रहा है और जितना भी चीन का जो माल है, प्रोडक्ट है, वो सब अब खराब हो रहा है। अमेरिका सरकार ने चीन पे ट्रेड वार शुरू किया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में टैरिफ लगा दिया है। इस कारण से चीन में अब बहुत सारे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और बहुत सारे फैक्ट्रियां अब चीन छोड़ के बाहर जाना चाहती हैं। इसी साल 56 कंपनियां चीन को छोड़ चुका है। इसी कारण से अब चीन चाह रहा है कि अमेरिका से मेरा व्यापार खत्म हो चुका है तो भारत से शुरू करें, लेकिन वो जानता है भारत सरकार तो सीधा मेरे को परमिशन देगा नहीं। उसने चाल क्या चला, मलेशिया जैसे चिंदी देश उसको समकाया और बहुत सारे देश को एक साथ मिला के उसने एक आइडिया निकाला और सबको कन्विंस किया कि देखिए अगर भारत के साथ आप बिजनेस करिएगा तो भारत के साथ बहुत ही मुनाफा होगा। भारत में आज भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां नहीं हैं और जितना भी सामान है वो विदेश से जाता है, यानी दुनिया के 15 देश को इकट्ठा करके भारत के साथ, यानी कि इस समझौते में जबरदस्ती घुसाने का प्रयास कर रहा था और भारत को ब्लैकमेल कर रहा था। भारत को एक तरह से बोल रहा था कि अगर आप चाहे तो इसमें आ सकते हैं, अगर चाहे तो नहीं भी आ सकते हैं, यानी कि भारत को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, अगर आप इसमें आते हैं तो आपके लिए सारे देश के साथ व्यापार फ्री हो जाएगा और आप जहां मन हो आप अपना प्रोडक्ट भेजिए और आपके देश में भी सारा देश अपना प्रोडक्ट भेजेगा। लेकिन अगर आप इस समझौते से निकल जाते हैं, यानी कि RCEP से निकल जाते हैं, तो आपके लिए इन 15 देश में रास्ता बंद हो जाएगा, यानी कि आप इन 15 देश से समझौता एक तरह से बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और इसी कारण से चीन को लग रहा था कि भारत सरकार को झुका देंगे और जबरदस्ती भारत को इस
समझौते में शामिल करवा लेंगे और भारत में चीनी प्रोडक्ट पूरा बाहर की तरह दे देंगे, यानी कि जबरदस्ती तरीका से भारत में चीनी प्रोडक्ट को भेज देंगे और भारतीय कंपनी को तबाह कर देंगे और भारत का जो 5 ट्रिलियन यानी कि इकोनॉमी बनने का सपना है 2024 तक, वो सपना को चकनाचूर कर देंगे। ऐसा मतलब चीन का मानना था, लेकिन चीन के मंसूबे पे पानी फिर गया है और चीन को इससे बड़ा झटका कभी लग ही नहीं सकता है। चीन को लगा था कि भारत सरकार इन सारे देश के दबाव में आ जाएगा और इस पर साइन कर लेगा, लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने मना किया उसके बाद जो 15 देश है वो 2 गुट में बट गया। एक गुट का कहना था, जिसमें मलेशिया का गुट था, मलेशिया बार बार जोर शोर से चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि अगर भारत नहीं आता है तब भी हम लोग साइन कर लेते हैं और भारत के खिलाफ रणनीति बनाते हैं। यानी कि मलेशिया एक तरह से भारत को धमका रहा, दबाव दे रहा था कि अगर आप जाते हैं बाहर तो हम लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेंगे। और एक ग्रुप का कहना था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, बहुत सारे देश है, उनका कहना था कि अगर भारत इस ग्रुप में नहीं आते हैं तो फिर मेरा क्या काम है। यानी कि 2 ग्रुप था और दोनों ग्रुप में अलग अलग विचार था। एक ग्रुप था भारत के पक्ष में और एक ग्रुप था चीन के पक्ष में। यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कहना था कि भारत इतना बड़ा मार्केट है तो भारत का आना जरूरी है, इसीलिए हम लोग राजी भी हुए हैं, अगर भारत नहीं आता है तो फिर इसमें क्या फ़ायदा। और चीन को भी काउंटर करना चाहिए ना। जापान और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लग रहा था कि भारत अगर हमारे साथ आता है तो हम लोग मिल के चीन को काउंटर करेंगे, यानी कि भारत के कंधे पर रख के गोली चलाएंगे। यानी कि इन चारों देश को ये सपना था। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार अपने कंधे पर गोली क्यों चलाने दे। अगर भारत सरकार ऐसा साइन करता तो भारत का जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, छोटा मोटा इंडस्ट्री है, सब का सब तबाह हो जाता और भारत बहुत दोस्तों पीछे हो सकता था। और भारत का इतिहास है, जहाँ भी भारत ने फ्री ट्रेड किया है उस जगह से भारत को हमेशा कुछ न कुछ लाभ महसूरी हानि हुआ है। आप देख सकते हो वर्तमान समय में साउथ कोरिया के साथ भी फ्री ट्रेड हुआ है, भारत सरकार को कितना नुकसान हो रहा है। वैसे भी दोस्तों, भारत सरकार को अब हर साल 110 बिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा है, यानी कि $110 बिलियन से अधिक का भारत सरकार को हर साल का नुकसान हो रहा है, जिसमें से 50 से 60 बिलियन डॉलर तो केवल चाइना के साथ है। 50 से 60 बिलियन डॉलर केवल चाइना के साथ है। अगर ये ट्रेड हो जाता तो चाइना हर साल भारत से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता और भारत को दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कि अपने आप भारत सरकार आत्महत्या करने के बराबर ये काम करता। लेकिन भारत सरकार ने इस चीज़ को मना किया है और साबित किया है कि भारत सरकार वही काम करेगा जो देश हित में हो। और देश का जनता दोस्तों आज सचमुच में बहुत ही खुश है और अपने सरकार के सोच को सब लोग मिल के दाद दे रहा है और बोल रहा है कि भारत सरकार सचमुच में अच्छा निर्णय लिया है। अब बारी आती है कि मलेशिया आखिर इतना हवा में क्यों बात कर रहा था, उस पर मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इन 15 देश में कौन कौन है। दोस्तों, RCEP में जो 15 देश है उसमें से 10 आसियान देश हो गया और बाकी भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को और साथ में न्यूजीलैंड को लिया गया था, जिसमें से भारत सरकार ने साफ मना कर दिया है, तो बच गया 15 देश। दोस्तों, इन 15 देश में से केवल सबसे अधिक जो विरोध किया है वो मलेशिया, यानी कि चिंदी देश। मलेशिया ने फिर से साबित किया है कि भारत के खिलाफ वो जाएगा। अब भारत सरकार को आने वाले समय में कोई ना कोई कड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मलेशिया जिस तरह से आज चिल्ला रहा है उसे कुछ न कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों, चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन का सपना था कि अमेरिका से जो मैंने घाटा हो रहा है लगभग $300 बिलियन का, वो घाटा हम भारत से पूरा करेंगे, लेकिन चीन का जो शी जिनपिंग राष्ट्रपति है दोस्तों, उसका सपना चकनाचूर हो गया है। शी जिनपिंग को लग रहा था कि दुनिया के हम सबसे ताकतवर राष्ट्रपति है और मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने वहाँ पे चित कर दिया है चारों नल चीन को और मलेशिया को, और साथ में जो भी चीन और मलेशिया को सपोर्ट किया है उनका भी दिमाग को अब शांत कर दिया है। अब आने वाले समय में देखना यह है कि चीन अब क्या नया प्रपोजल लेके आता है। दोस्तों, चीन कुछ ना कुछ फिर करेगा। चीन चाहता है कि जो मेरा घाटा अब अमेरिका से हो रहा है किसी न किसी तरह से भारत से उसी ले। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने तो चीन को कई बार मौका भी दिया है, लेकिन चीन ने हर बार भारत सरकार को केवल धोखा ही दिया है। भारत को हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही चाहा है। भारत हर बार चाहता है कि UN के सदस्यता के लिए अप्लाई करे, भारत अप्लाई भी करता है, जिसमें पूरे दुनिया साथ देता है, केवल 2-3 देश उसका विरोध करता है, जिसमें चाइना नंबर 1 पर आता है दोस्तों, उसके बाद तुर्की आता है और उसके बाद तीसरा ब्राज़ील आता है, लेकिन ब्राज़ील अब मान रहा है। लेकिन चाइना और तुर्की ने भारत को हर जगह रोका है, चाहे UN की सदस्यता के लिए हो दोस्तों, या फिर
यूएन मतलब तो समझ आइए यूनाइटेड नेशन, वहां पे परमानेंट सदस्यता के लिए भारत को अप्लाई मतलब कई बार किया गया था, लेकिन वहां पे चाइना और तुर्की और ब्राजील ने अरंगा लगा दिया। भारत चाहता है कि एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल हो, उसमें भी चीन हर जगह अरंगा लगाता है और भारत के खिलाफ जाता है। और आप तो देखे होंगे कश्मीर मुद्दे पे कितना चीन चिल्लाया है, यानी कि चीन हर क्षेत्र में भारत को घेरता है और चाहता है कि दूसरी ओर भारत से व्यापार भी करे। भारत सरकार देखिएगा दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है चीन पे कड़ी से कड़ी प्रतिबंध भी लगा दे, और चीन का जो प्रोडक्ट है भारत में बिक रहा है, हमको लग रहा है आने वाले समय में भारत सरकार कुछ ना कुछ उस पर एक्शन लेगा, क्योंकि चीन दोस्त नहीं है दुश्मन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा।